एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी आईएएस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्वागत है आपका हमारी पीटी 365 की सीरीज में, जहां पर हम इकोनॉमी के करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। अभी तक बहुत सारे लेक्चर्स हमारे आ चुके हैं, जिनमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट अवेलेबल है चैनल पर। इस लेक्चर के एंड में भी आपको वो मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगी। वहां पर जाकर आप सारे करंट अफेयर्स को जल्दी जल्दी कवर कर सकते हैं। अब देखो, इन्वेस्टमेंट से हमें स्टार्ट करना था, तो यहां से हम अपने पोर्शन को आज के स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब देखो, एफडीआई होती क्या है। एफडीआई बेसिकली आप ये समझ सकते हैं कि एक तरीके की इन्वेस्टमेंट हो रही है, ठीक है। इट इज द इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ फर्म या फिर इंडिविजुअल एक कंट्री के दूसरी कंट्री के अंदर करते हैं बिजनेस पर्पजेस के लिए, या फिर बिजनेस इंटरेस्ट कहीं ना कहीं उनके जुड़े होते हैं तब वो करते हैं। एंड यहाँ पर इन्वेस्टमेंट थ्रू इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स हो रहा है, ठीक है। अब ये दो तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है कि आप एक अनलिस्टेड इंडियन कंपनी के अंदर कर रहे हो जो कि लिस्टेड नहीं है, तो अलग सिनेरियो है। अगर आप एक लिस्टेड कंपनी के अंदर कर रहे हो, लिस्टेड इंडियन कंपनी के अंदर कर रहे हो, तो ये चीज है कि आपको 10% या 10% से ज्यादा उस पर्टिकुलर कंपनी के पेड अप इक्विटी कैपिटल के करना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी मोर देन 10% और 10%, देन इट विल बी टर्म्ड एज ए एफडीआई या फिर अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब देखो, दो तरीके से एफडीआई हो सकता है। एफडीआई एक हो सकता है कि ऑटोमेटिक रूट से हो रहा है, नाम से ही आपको पता चल रहा है ऑटोमेटिकली हो रहा है, यानी कि आपको कोई भी अप्रूवल की जरूरत नहीं है, कोई भी प्रायर अप्रूवल आप नहीं ले रहे हैं, ना ही सरकार से ना ही आरबीआई से। एंड इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द सेक्टर्स जो कि फेमा एक्ट के रेगुलेशन 16 के अंदर मेंशनड है। दूसरा तरीका होता है गवर्नमेंट रूट। गवर्नमेंट रूट का तरीका ये है कि यहाँ पर क्या है, आपको प्रायर अप्रूवल लेना होता है सरकार से, एंड उसके बाद आपको अप्रूवल मिल जाता है कि हाँ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब कौन कौन सी जगहों पर ये होता है, कौन कौन से सेक्टर्स में होता है, जो भी देखो ऑटोमेटिक रूट के अंदर कवर नहीं है, वो गवर्नमेंट रूट के थ्रू कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट होती है। अब एफडीआई के अंदर क्या क्या प्रोहिबिटेड है या फिर क्या क्या इंक्लूडेड नहीं है, तो 9 सेक्टर्स है। लॉटरी के अंदर हो गया, गैम्बलिंग हो गया, चिट फंड हो गया, निधि कंपनी हो गया, रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर, मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग, सेक्टर्स नॉट ओपन टू द प्राइवेट सेक्टर, या फिर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है टोबैको की, अगर आप इस सब में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो दे विल नॉट बी टर्म्ड एज एफडीआई। अब देखो, निधि कंपनी ये जो है, ये हमने पहले पिछले लेक्चर्स में भी कवर किया है। निधि कंपनी क्या है, एक तरीके से एनबीएफसी मान लीजिए आप, कंपनीज एक्ट 2013 के तहत रजिस्टर्ड है, आरबीआई कहीं ना कहीं डायरेक्शन देती है इनके रिगार्डिंग। एंड मेन चीज ये कि इसके जो शेयर होल्डर होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, वो ही इसके मेन है, ठीक है, जो कि सारा कुछ देखते हैं। तो निधि कंपनी भी करंट अफेयर्स में रहा है तो काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इंडिया की एफडीआई प्रोफाइल अगर हम समझने की कोशिश करें तो देखो, हमें डिक्लाइनिंग ग्रोथ रेट देखने को मिली है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की इंडिया के अंदर। अब क्यों, देखो बहुत सारे रीजंस हैं। पूरे साल अगर हम देखें, पहले तो रशिया यूक्रेन का वॉर आ गया, फिर उसके बाद इकोनॉमिकली हमने देखा लॉट ऑफ कंट्रीज सफर्ड, फिर यूएस की जो डॉलर है हमने देखा उसकी स्ट्रेंथनिंग की वजह से और सब करेंसीज कहीं ना कहीं हमें पिछड़ती हुई नजर आई, ठीक है। तो ड्यू टू ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड मेनी मोर अदर फैक्टर्स, हमें डिक्लाइनिंग ग्रोथ देखने को मिली एफडीआई की। उसके बाद इंक्रीजिंग एफडीआई आउटफ्लो हुआ, देखो इनफ्लो तो हो नहीं रहा, आउटफ्लो ज्यादा हुआ है। फिर टैक्स हेवन कंट्री जैसे कि मॉरिशियस हो गए, केमेन आइलैंड हो गए, ठीक है, दे कंटिन्यू अमंग द टॉप एफडीआई सोर्सेज राइट नाउ ऑल्सो, एंड दिस इज ऑल्सो अ रीजन जो कि कहीं ना कहीं इंडिया के एफडीआई पे असर पड़ता है। अब देखो, केमेन आइलैंड का आप ज्योग्राफी में देख लेना कि कहां पर इसकी लोकेशन है, काफी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब 62% ऑफ द टोटल एफडीआई इनफ्लो कंसेंट्रेटेड है 5 सेक्टर्स के अंदर। याद रखना कौन कौन से सेक्टर्स हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, सर्विसेज सेक्टर, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ट्रेडिंग और उसके बाद कंस्ट्रक्शन। अब अगर हम स्टेट वाइज देखें कहां पर जिसने सबसे ज्यादा एफडीआई को अट्रैक्ट किया है, तो 78% हमें देखने को मिलता है कि 3 स्टेट्स के अंदर हुआ है। सबसे पहले है कर्नाटका, देखो कर्नाटका वैसे ही हमें एक स्टार्टअप हब बनता हुआ नजर आ रहा है, फिर महाराष्ट्र हो गया, फिर दिल्ली हो गया, ठीक है, महाराष्ट्र तो वैसे भी फाइनेंशियल कैपिटल है। तो ये 3 स्टेट्स हैं, आपको याद रखना है KMD से कर्नाटक, महाराष्ट्र, दिल्ली। अब देखो, मेजर एफडीआई सोर्सेज इंडिया की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले सिंगापुर, फिर मॉरिशियस, फिर यूएई, फिर यूएसए, ठीक है, ये जो डेटा है ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स के अंदर आ सकता है। अब व्हाट आर द रीजंस या फिर व्हाट आर द इन्फ्लुएंसेस जो कि हमें एफडीआई के ऊपर असर डालते हुए नजर आते हैं, तो देखो सबसे पहला है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एनवायरमेंट। अगर हम एक ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं जहां पर कोई भी बिजनेस को खड़ा करना ईजी है, एंड कहीं ना कहीं बिजनेस के अंदर एंटर करना एज वेल एज एग्जिट करना इज इजियर,
ऑल्सो उसको रन करना इज इजियर, द टैक्सेशन सिस्टम एंड ऑल इज इजियर, ठीक है, ओवरऑल इन्वायरमेंट बेटर है. तो हमें देखने को मिलेगा कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे कि हाँ हम यहाँ पर सिक्योरली इन्वेस्ट कर सकते हैं. फिर उसके बाद स्किल सेट ऑफ लोकल पॉपुलेशन, कॉस्ट ऑफ लेबर, अगर कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल है ये दोनों ही चीजें तो हमें बेनिफिट होता हुआ नजर आता है. फिर नेचर एंड साइज ऑफ द मार्केट, अगर लार्ज है बेटर है, इफेक्टिव है तो ज्यादा बेटर रहता है. फिर रीजनल एक्सपोर्ट पोटेंशियल अगर ज्यादा है तो पॉजिटिव रहता है. नेचुरल रिसोर्स अवेलेबिलिटी ज्यादा है तो ज्यादा इजियर रहता है. मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ओवरऑल होनी चाहिए एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, जो कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि हमें देखने को मिल रहा है कि अरे डूब गए, ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए. अब कैन एनेबल, अब इन सबसे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू इंक्रीज्ड प्रोडक्शन एंड कंजप्शन हमें देखने को मिलता है. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकती है अगर एफडीआई बढ़िया तरीके से हो रहा है देश के अंदर, ठीक है, ये इन सब का सिंबॉलिक हो सकता है, इन चीजों को एनेबल कर सकता है. फिर नॉलेज, स्किल, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो सकती है एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में. कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ सकती है, प्रोडक्टिविटी इन द इकोनॉमी बढ़ सकती है. एप्रिसिएशन होगा हमारी फॉरेक्स रिजर्व्स का एंड हमारी जो करेंसी है, हमारा जैसे रूपी हो गया, ठीक है, उसकी वैल्यू बढ़ेगी. फिर टैक्स रेवेन्यू हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा. टैक्स रेवेन्यू बढ़ रहा है मतलब सरकार की बल्ले बल्ले, सरकार के पास खूब पैसा आ रहा है. उसके बाद इंक्रीज इन स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट ऑल्सो, गवर्नमेंट इज सीइंग कि हाँ प्रॉफिटेबल है, गवर्नमेंट भी ज्यादा पैसा खर्च करेगी लोगों के लिए, ठीक है, तो हमें इसके पॉजिटिव ही रिजल्ट देखने को मिलते हैं अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा किसी भी देश के अंदर चल रहा है. अब देखो अदर डेवलपमेंट्स रिलेटेड टू द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, सबसे पहला है फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल. ये एक पोर्टल है, एक ऑनलाइन सिंगल पॉइंट इंटरफेस है जो कि फैसिलिटेट करता है एफडीआई को इंडिया के अंदर. अभी इसने क्या किया है, 5 साल कंप्लीट कर लिए हैं, इसलिए करंट अफेयर्स के अंदर था. अब इट वॉज सेटअप आफ्टर द अबोलिशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, ठीक है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड है 2017 के अंदर जो आया था उसको अबोलिश कर एफआईएफपी को लेकर आया गया. अब ये जो है कौन एडमिनिस्टर करता है इसको, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड इसको देखता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. एंड ये फैसिलिटेट करता है एक तरीके से सिंगल विंडो क्लियरेंस को ऑफ एप्लीकेशंस विच आर थ्रू द अप्रूवल रूट, ठीक है. तो बेसिकली एक सिंगल ऑनलाइन पॉइंट इंटरफेस है जो कि एफडीआई इंडिया के अंदर कैसे हो रहा है, ठीक है, किस तरीके से हो रहा है, सिंगल विंडो क्लियरेंस प्रोवाइड करता है कहीं ना कहीं, ठीक है, अप्रूवल रूट को कहीं ना कहीं ये देखता है. तो ये बेसिकली इस पर्टिकुलर पोर्टल का काम है. अगला देखो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट नॉन डेप्ट इंस्ट्रूमेंट अमेंडमेंट रूल 2022. अब देखो अगर हम इसकी बात करते हैं, न्यू रूल्स अलाउ बेसिकली आए हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप टू 20% LIC के अंदर या फिर अदर कॉर्पोरेट बॉडीज के अंदर अब अलाउ हो गया, ठीक है. तो अभी अलाउ किया गया कि हाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट 20% से ज्यादा LIC एंड अदर कॉर्पोरेट बॉडीज के अंदर हो सकता है. प्रेजेंटली जो फॉरेन इनफ्लो सीलिंग है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए वो भी 20% है अंडर द गवर्नमेंट अप्रूवल रूट. तो सरकार से अप्रूवल लेकर आप 20% तक कर सकते हैं. फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा की अगर हम बात करें 1999 की अंडर द फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये क्या करती है, ये कंसोलिडेट करती है, अमेंड करती है लॉस को फॉरेन एक्सचेंज इंडिया के अंदर कैसे हो रहे हैं, जिससे एक्सटर्नल ट्रेड जो है हमारा बेहतरीन तरीके से हो सके, पेमेंट एंड ऑल अच्छी तरीके से हो सके, मेंटेनेंस हो सके फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की इंडिया के अंदर, ठीक है, इस सबको ये देखती है. एंड इसने रिप्लेस किया फेरा को एंड ये एक्सटेंड होता है टू होल ऑफ द कंट्री, ठीक है. तो पहले क्या था, पहले फेरा था, अभी क्या है, वी हैव फेमा, ठीक है, फेमा 1999 अंडर द फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये आपको याद रखना है. अगला देखो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD. अब अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ये जो UNCTAD है, इंडिया ने जंप कर दिया बाय 1 पोजिशन, ठीक है, 7th पे हम आ गए हैं अमंग द टॉप FDI रेसिपिएंट इन 2021. तो हमारे देश के अंदर अगर हम देखें तो FDI के रिगार्डिंग यहाँ पर ये बताया गया कि हाँ हमने एक पोजीशन अप कहीं ना कहीं हासिल कर लिया. USA जो है अभी भी टॉप रेसिपिएंट है, $367 बिलियन ऑफ FDI कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करता है. इसके बाद हमें चाइना, हांगकॉन्ग, ठीक है, ऐसे देखने को मिलते हैं. अब UNCTAD की बात करें तो देखो आपको ये याद रखना है, इसका हेडक्वार्टर है जनेवा के अंदर, परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि UN जनरल असेंबली के द्वारा बनाई गई थी 1964 के अंदर, 195 इसके अंदर मेंबर्स हैं एंड इट इज अ पार्ट ऑफ UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप. अदर मेजर रिपोर्ट जो कि ये निकालती है, अब देखो ये UPSC पूछ चुका है, UPSC के फेमस क्वेश्चंस में से ये आता है कौन सी रिपोर्ट किसने निकाली, एक क्वेश्चन आ जाता है. तो ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट, टेक्नोलॉजी इनोवेशन रिपोर्ट,
ये सब कौन लेकर आए, ये सब UNCTAD लेकर आए। अब देखो डिजिटल इंडिया, AI, मशीन लर्निंग, ये सब क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज के अंदर है, करंट अफेयर्स के अंदर है, इसलिए ये याद रखना। डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट, इनोवेशन रिपोर्ट, ठीक है, कौन निकालता है, UNCTAD निकालती है, ठीक है। अभी अभी इन्होंने ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट निकाला है, ठीक है, तो इनके नाम से कहीं ना कहीं आपको पता चल जाएगा ट्रेड एंड डेवलपमेंट, हाँ ये रिपोर्ट तो इन्होंने निकाली, इट इज इजियर टू अंडरस्टैंड, पर ये एनुअली निकलती है, सालाना निकलती है। चलो अगला देखते हैं, एक्सचेंज रेट डायनेमिक्स। इंडियन रुपी का डेप्रिसिएशन देखने को मिला है, अब इंडियन रुपी स्लाइड किया है, हमने देखा है पिछले साल, एंड फॉरेक्स इनफ्लोज हमें बूस्ट होता हुआ नजर आया, आरबीआई हैज फॉरेन इनफ्लोज हमें बेसिकली टू स्टेम इंडियन रुपी स्लाइड एंड टू बूस्ट फॉरेक्स इनफ्लोज, ठीक है, फॉरेक्स इनफ्लोज जिससे बड़े, बड़ा नहीं है पर जिससे और भी ज्यादा बड़े, इसके लिए सरकार ने क्या किया है कि जो नॉर्म्स है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए इन द डेब्ट या फिर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग या फिर नॉन रेजिडेंट इंडियन डिपॉजिट्स के मामले में, ठीक है, वो बड़े, इसके लिए रिलैक्स कर दिए नॉर्म्स को। अब देखो एक्सचेंज रेट की अगर हम बात समझने की कोशिश करें हमारे देश के अंदर, तो एक्सचेंज रेट होता क्या है, एक तरीके से प्राइस है ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ द अनदर करेंसी, ठीक है, तो आपने देखा होगा वन डॉलर इज इक्वल टू 60 रुपीज एंड ऑल, ठीक है, ये सब क्या है, एक्सचेंज रेट होता है कि एक डॉलर को खरीदने के लिए कितना हमें रुपी लगेगा, बेसिकली दिस इज कॉल्ड एज द एक्सचेंज रेट। अब इट कैन बी फिक्स्ड आल्सो, कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है, फिक्स्ड का मतलब यह है कि सेंट्रल बैंक के पास सब कुछ है, सेंट्रल बैंक कहीं ना कहीं डिसाइड कर रहे हैं। फ्लोटिंग भी हो सकता है, फ्लोटिंग का मतलब यह डिमांड एंड सप्लाई या फिर जो मार्केट फोर्सेस होते हैं उनके बेसिस पर एक्सचेंज रेट को डिफाइन किया जा रहा है। अब फ्लोटिंग या फिर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो होता है ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट होता है, फॉरेक्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है, एंड अदर फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है। अब देखो अदर फैक्टर्स यहाँ पर बताए गए हैं कौन कौन से, जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कंट्रीज के अंदर क्या चल रहा है, इन्फ्लेशन रेट क्या है, ठीक है, अगर हाई इन्फ्लेशन है तो हमें ज्यादा देखने को मिलता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है, ठीक है, उनका जो इंटरेस्ट है वो कम हो जाता है। फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अगर किसी देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो देखो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी इन्वेस्टमेंट करने से कतराते हैं। आप देखो श्रीलंका की हालत देख लो, सेम हमें देखने को मिली है। गवर्नमेंट डेब्ट अगर ज्यादा है तो देखो इन्वेस्टर्स भी कहीं ना कहीं भरोसा करने में कतराते हैं। फिर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, अगर हायर एक्सपोर्ट है एंड हायर एक्सपोर्ट इंक्रीज होता है, ठीक है, फॉर इट्स करेंसी एंड वाइस वर्सा, अगर बेसिकली हाई एक्सपोर्ट है तो बेटर रहता है, अगर इंपोर्ट ज्यादा है तो हमें देखने को मिलता है कंट्री की डिपेंडेंसी भी ज्यादा है। फिर स्पेक्यूलेशन, इन्वेस्टर्स प्रोजेक्शन फॉर द फ्यूचर इन्फ्लुएंसिंग डिमांड, ठीक है, स्पेक्यूलेशन पे भी डिपेंड करता है, इकोनॉमिक आउटलुक के ऊपर डिपेंड करता है, इवेंट जैसे कि रिसेशन आ रहा है, ठीक है, अगर रिसेशन आता है तो देखो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है उनका इंटरेस्ट भी कम हो जाता है। फिर स्पेशल कंसिडरेशन, जैसे कि हाई स्टेबिलिटी देख रहे हो आप, ठीक है, सेफ हेवन कंट्रीज एंड ऑल, आप इनकी डिमांड्स एंड ऑल देख रहे हो, ठीक है, सब सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं देखने पड़ते हैं, उसके बाद एक जो इन्वेस्टर है उसको लगता है कि हाँ हाँ इस कंट्री के अंदर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेक्स हमने देख लिया। इन इंडिया अगर हम एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट की बात करें, इट हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, बेसिकली हम इवॉल्व हुए हैं, पहले क्या था हमारे देश के अंदर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट था, जो आरबीआई है वो कहीं ना कहीं डिसाइड करती थी इन लाइन विद द ब्रिटेन वुड्स सिस्टम। अब इसके बाद क्या हुआ, हमें देखने को मिला मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट आ गया, एंड 1993 के बाद से हम इसी को ही देख रहे हैं। रोल ऑफ आरबीआई एंड सेंट्रल गवर्नमेंट लिमिटेड है टू जस्ट इंटरवेंशन, अगर ज्यादा दिक्कत हो जाती है तो आरबीआई एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इंटरवीन कर सकती हैं, अदरवाइज हमें देखने को मिलता है कि हर चीज कहीं ना कहीं मार्केट डिटरमाइंड होती है, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो द आरबीआई एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट इज लिमिटेड टू जस्ट इंटरवेंशंस नेसेसरी टू एंश्योर द ऑर्डरली कंडीशंस इन द फॉरेस्ट इकोसिस्टम। चलो अब देखो रीजंस एंड इंपैक्ट ऑफ रुपी डेप्रिसिएशन, क्या क्या रीजन रहे हैं। सबसे पहला रीजन रहा है इंक्रीजिंग जो प्राइसेस हमें देखने को मिले क्रूड ऑयल के, अदर कॉमोडिटीज के, जैसे कि एडिबल ऑयल। अब देखो इसके भी रीजन क्या है, रशिया यूक्रेन की वॉर हुई, उसकी वजह से हमें डिमांड एंड सप्लाई कहीं ना कहीं उथल पुथल होती हुई नजर आई, ठीक है, एंड अगर हम मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज की बात करें, ठीक है, उनका भी हमें इम्पैक्ट देखने को मिला, तो ये एक रीजन है। फिर ग्लोबल मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग, स्पेशली व्हेन वी सी यूएस का डॉलर, ठीक है, हमें देखा यूएस ने काफी टाइटनिंग पॉलिसी का इस्तेमाल किया जिससे वो इन्फ्लेशन को टेम कर सके। तो क्योंकि हम काफी हेवीली कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हैं डॉलर के ऊपर, हमारे फॉरेक्स को ही देख लो आप, ठीक है, हमें डॉलर डोमिनेटेड काफी देखने को मिलता है। तो दीज आर द रीजंस व्हाई हमें हमारे ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ा, रुपी के ऊपर भी डेप्रिसिएशन हमें देखने को मिला। फिर कैपिटल आउटफ्लो जो सस्टेन्ड हमें देखने को मिला है फ्रॉम द एफपीआईज, दैट इज अ बिग रीजन।
फिर डोमेस्टिक फैक्टर्स जैसे कि हमारे देश के अंदर खुद महंगाई बढ़ी, फिर करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ा क्योंकि हमारे इम्पोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट इतने है नहीं। इन सब रीजंस की वजह से हमें रुपी का डेप्रिसिएशन देखने को मिला। अब व्हाट आर दी इंपैक्ट्स, अगर हम इंपैक्ट समझने की कोशिश करें तो अगर करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है, ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट हमें बिगड़ता हुआ नजर आएगा क्योंकि इंडिया एक नेट इंपोर्टर है। दो सरकार ने पूरे साल कोशिश करी कि हाँ हम गोल्ड इंपोर्ट्स को कम कर सकें एंड विद रिस्पेक्ट टू दी एनर्जी सोर्सेज ऑल्सो हम कहीं ना कहीं डिपेंडेंट ना हो, खुद से कहीं ना कहीं हम देखें, बट देखो फिर भी हम इंपोर्टर रहेंगे, नेट इंपोर्टर रहेंगे एंड इसकी वजह से हमें करंट अकाउंट डेफिसिट देखने को मिलता है। फिर उसके बाद हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ता चला जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू द रॉ मटेरियल, विद रिस्पेक्ट टू द इक्विपमेंट एंड द सप्लाईज, ठीक है। अब इसके लिए सरकार लेकर भी आ रहा है नई नई स्कीम, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत एंड ऑल, बट फिर भी अभी भी जरूरत है। फिर हायर इन्फ्लेशन ड्यू टू सप्लाई शॉक ओवरऑल हमें देखने को मिला जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हो गई, ठीक है, ये बहुत बड़ा रीजन है। अदर इम्पैक्ट जैसे कि डिक्लाइन हमें देखने को मिला इम्पोर्ट कवर का, लोअर फॉरन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, FDI का आउटफ्लो, ऑल ऑफ दीज रीजन समवेयर लेड टू द रुपी डेप्रिसिएशन। अगला देखो इंडियाज फॉरेक्स डायनेमिक्स। अगर हम इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करते हैं तो वो कम हो गया, डिक्लाइन हो गया, ओवर टू इयर्स लो हमें देखने को मिला, 532.66 बिलियन डॉलर हमें देखने को मिला 2022 के अंदर, रिड्यूसिंग द इंपोर्ट कवरेज टू 8 to 9 months फ्रॉम पीक कवरेज ऑफ अ ईयर ऑफ इंडियाज इम्पोर्ट। अब देखो यहां पर बात करी जा रही है बेसिकली फॉरेक्स की, तो सबसे पहले हम समझेंगे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बारे में। अगर हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करते हैं या फिर हम फॉरेक्स रिजर्व की बात करते हैं तो इसके अंदर बेसिकली एसेट्स हैं जो कि हमारी जो सेंट्रल बैंक है, हमारा जो RBI है, वो रखता है कि अगर कोई आपदा आ जाती है तो हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब दे आर डोमिनेटेड बाय द फॉरेन करेंसी एसेट्स। फॉरेन करेंसी एसेट्स के अंदर क्या क्या आती है, बेसिकली इसके अंदर आते हैं जैसे कि डॉलर हो गया, डॉलर सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद यूरो हो गया, ब्रिटिश का पाउंड हो गया, जापानीज का येन हो गया, चाइनीज का युआन हो गया, ठीक है, ये सब होते हैं फॉरेन करेंसी एसेट्स एंड काफी हेविली ये होते हैं, 88.7% हमें फॉरेन करेंसी एसेट ही देखने को मिलते हैं। अब ये जो बचा कुचा है इसके अंदर हमें बॉन्ड देखने को मिलते हैं, ट्रेजरी बिल हो गए, गोल्ड रिजर्व हो गए, स्पेशल ड्रॉइंग राइट हो गए IMF वाले, ठीक है, जो IMF का कोटा होता है, ठीक है, ये सब होते हैं। अब एज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया RBI मैनेज करती है इनको अंडर द 2 Act, तो 2 Act बेसिकली इनको पावर प्रोवाइड करता है। पहला है RBI Act 1934, उसके बाद है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, ठीक है, दोनों ही कहीं ना कहीं इसको इंपैक्ट करते हैं। अब देखो अगर हम बात करते हैं हमारे देश की रिजर्व की, ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व की, तो फॉरेन करेंसी एसेट 88.7%, वेरस इसके अलावा अगर हम देखें गोल्ड रिजर्व 7% के, स्पेशल ड्रॉइंग राइट ऑफ द IMF हमें देखने को मिलते हैं 3.3%, वेरस रिजर्व पोजिशन एट IMF इज अराउंड 1%। अब चलो नीड ऑफ द फॉरेक्स रिजर्व क्या जरूरत है, देखो सपोर्ट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए कॉन्फिडेंस को देश की, एक्सचेंज रेट का असर हम पे ज्यादा ना पड़े, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसीज एंड ऑल, ठीक है, इसके लिए जरूरत रहती है कि फॉरेक्स रिजर्व सही अच्छा खासा रहे। फिर एक्सटर्नल मार्केट रिस्क जो है उनकी वजह से हमारे देश के ऊपर असर ना हो, इसके लिए जरूरत रहती है, ठीक है, एंड टू गेन इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस टू मीट द एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन इन केस ऑफ लिक्विडिटी क्राइसिस। अगर देश के अंदर लिक्विडिटी क्राइसिस हो गए, पैसे का सर्कुलेशन इतना अच्छा नहीं हो रहा, तो उस टाइम पर ये काम आते हैं। फिर टू असिस्ट द गवर्नमेंट इन मीटिंग द फॉरेन एक्सचेंज नीड्स एंड ऑल्सो एक्सटर्नल डेप्ट ऑब्लिगेशंस जो भी सरकार की होती है, अगर उनको मीट करना है उनके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड टू विदस्टैंड एनी डोमेस्टिक फाइनेंशियल सिस्टम शॉक, जैसे कि जैसे रिसेशन हो गया, ठीक है, या फिर नेशनल डिजास्टर आ गया, इमरजेंसी आ गया, कोविड आ गया, जैसे इन सब के लिए जरूरी रहता है कि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो अच्छा खासा रहे। अब व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द फॉरेक्स रिजर्व फॉल। सबसे पहला ये है कि हमारी जो फॉरेन करेंसी असेट्स हैं, ठीक है, उनमें हमें डिक्लाइन देखने को मिला। फॉर इंस्टेंस जैसे कि डॉलर है, डॉलर में भी हमने देखा है ना, एक इंडेक्स भी आया डॉलर इंडेक्स, जिसने बताया कि US डॉलर स्ट्रेंथ अगेंस्ट अ बास्केट ऑफ 6 currencies हमें एडवांस होता हुआ नजर आया। अब US तो ऊपर जा रहा था बट और करेंसीज नीचे जा रही थी जिनकी वजह से नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा। फिर RBI का फॉरेक्स इंटरवेंशन, जिससे वो एक्सटेंसिव जो वॉलेटिलिटी हो रही थी रुपी की उसको कर्व कर सके, वो एक बहुत बड़ा रीजन है कि फॉरेक्स रिजर्व कम हो गए। फिर हाई कैपिटल आउटफ्लो हमारे देश से जो हुआ टू द सेफ हेवन कंट्रीज, जैसे कि मॉरिशियस हो गया, ठीक है, जैसे कि कैमन आइलैंड्स हो गया, ठीक है, इंक्लूडिंग द FPIs, ये बहुत बड़ा रीजन है। ऑल्सो वीक ग्लोबल आउटलुक,
ड्यू टू द ग्लोबल जियो पोलिटिकल रीजन, ठीक है, द ग्लोबल ग्लोबल पोलिटिकल रीजन, इनकी वजह से हमें नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे देश पर भी देखने को मिला. अब अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, सेंट्रल बैंक अक्रॉस द ग्लोब आर ऑन अ गोल्ड बाइंग स्प्री, ठीक है, कि वो क्या कर रहे हैं, गोल्ड को परचेज कर रहे हैं. परचेजिंग रिकॉर्ड लेवल ऑफ गोल्ड इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ 2020. तो अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर काउंसिल, जो गोल्ड है उसकी खरीदारी कहीं ना कहीं ग्लोबली बढ़ गई है. RBI थर्ड लार्जेस्ट हो गया अमंग द बायर्स, अगर हम क्वार्टर थर्ड की बात करते हैं, एंड बिगेस्ट बायर हम रहे हैं सिंस अप्रैल 2020. अब रीजन फॉर द ट्रेंड क्या है, कि जो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज कहीं ना कहीं चल रही है, हाई इन्फ्लेशन, ग्लोबल ग्रोथ अनसर्टेनिटी, तो इसके लिए कहीं ना कहीं इस सिचुएशन को हेज करने के लिए, इन्फ्लेशन एंड ऑल के रिस्क को हटाने के लिए कोशिश करी जा रही है कि चलो गोल्ड ही खरीद लें. फिर इंक्रीज्ड वेटेज इन द कंट्रीज ओवरऑल रिजर्व ड्यू टू द एप्रिसिएशन ऑफ डॉलर, उसकी वजह से भी हमें देखने को मिला कि गोल्ड लोगों ने कहीं ना कहीं खरीदना बढ़ा दिया, ठीक है, कंट्रीज ने बढ़ा दिया. एंड इम्पैक्ट ऑफ गोल्ड इम्पोर्ट्स ये है कि हमारे देश का करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है, एंड ये हमारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक है. अब देखो कुछ ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस को देख लेते हैं. सबसे पहला है IMF. रिसेंटली हमें देखने को मिला कि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हैं, उन्होंने एड्रेस किया IMF सी के अंदर, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी के अंदर, एंड स्टेटेड कि जो IMF है, इट मस्ट कमिट हायर रिसोर्सेज उन सब कंट्रीज के लिए जो कि लो इनकम कंट्रीज हैं, क्योंकि उनको अभी भी रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है. अब देखो ये थी करंट अफेयर्स. आपके लिए क्या जरूरी है, आपके लिए जरूरी है IMFC को समझना, ऑल्सो IMF को समझना. तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो है, इट वॉज फाउंडेड एट द ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस 1944 के अंदर. एंड जो भी कंट्री कहीं ना कहीं वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट बनती है, सबसे पहले उन्हें IMF ज्वाइन करना होता है, एंड उसी के बाद वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड बैंक ग्रुप को ज्वाइन करेंगी. अब रोल ऑफ द IMF, तीन बेसिक रोल्स हैं उनके. सबसे पहला है इंटरनेशनल मॉनिटरी कॉपरेशन, फिर एक्सपेंशन करना ट्रेड का, इकोनॉमिक ग्रोथ का किसी भी कंट्री के, ऑल्सो डिस्करेज करना उन सब पॉलिसीज को जो कि हार्म करती हैं किसी भी कंट्री की समृद्धता को या फिर प्रॉस्पेरिटी को. अब इंडिया इसका मेंबर है, ये याद रखना, एंड ये कॉपरेट करता है क्लोजली विद अदर ग्रुप्स ऑल्सो, जैसे कि G20 हो गया, एंड कोशिश करता है कि उनको सपोर्ट करे जिससे इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉपरेशन बढ़े. ऑल्सो कोई भी कंट्री इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी के द्वारा ना कहीं सफर हो, इस चीज को देखता है. की रिपोर्ट जो कि ये निकालता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक एंड ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, दोनों याद रखना, IMF लेकर आती. अब ये जो इंटरनेशनल मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल कमिटी है, इसके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना, क्योंकि करंट अफेयर्स में है. तो ये एडवाइस करती है, ऑल्सो रिपोर्ट करती है टू IMF बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, एंड मैनेजमेंट देखती है इंटरनेशनल मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम का, इंक्लूडिंग ऑन रिस्पॉन्सेज टू अनफोल्डिंग इवेंट्स दैट मे डिस्टर्ब द सिस्टम. तो उन सब चीजों को देखना जो कि कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं सिस्टम को, जैसे कि एकदम से COVID-19 आ गया, क्या इम्पैक्ट हुआ उसकी वजह से और सब कंट्रीज पे, इन सब को देखती है, मैनेजमेंट को देखती है, ठीक है, ये इनका काम है. इट बेसिकली हैव 24 मेंबर्स इंक्लूडिंग इंडिया, एंड हु आर बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के गवर्नर्स हो गए, मिनिस्टर्स हो गए, एंड अदर कंपेरेबल रैंक के इनके लोग हो गए, ठीक है. And who are usually drawn from the governor of the IMF members, ठीक है, वो basically इसके part होते हैं. Currently 190 countries वो इसके part होते हैं. Although IMFC का कोई भी formal decision making power नहीं है, but it is a key instrument for providing strategic directions. IMF को देता है basically with respect to the policies it can take or the work it can do, ठीक है, उनको basically ये मदद करता है. And usually दो बार एक साल में ये कहीं ना कहीं मिलते हैं. And Board of Governors highest decision making body है IMF की, and is advised by two ministerial committees, IMFC हो गया and developmental committee हो गई, जो कि हमें देखने को यहाँ पर मिलती है. आप देखो related news, जैसे कि हमने special drawing rights की बात करी कि ये हमारे forex reserve के अंदर भी होते हैं, तो ये special drawing right है क्या? तो special drawing right एक तरह का international reserve asset है जो कि IMF ने बनाया 1969 के अंदर, and basically ये क्या करता है, ये supplement करता है जो भी मेंबर कंट्रीज है उनके ऑफिशियल रिजर्व को. एंड यहां पर हमें देखने को मिलता है कि इसकी जो वैल्यू है, इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन द 5 करेंसीज. कौन कौन सी हैं? एक तो US का डॉलर हो गया, जिसकी हाईएस्ट वेटेज है यहां पर, फिर यूरो हो गया, युआन हो गया चाइना का, येन हो गया जापानी का, एंड सबसे कम वेटेज हमें देखने को मिलती है पाउंड की, जो कि ब्रिटेन का हो गया, ठीक है. एंड इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने इंक्रीज किया है
the weighing of USD and Yuan in the review of the currencies that make up the valuation of its SDR. ठीक है, इसलिए ये current affairs में था, इसलिए ये news के अंदर था. And it is allotted to IMF member countries in proportion to जितना भी उनका share है IMF के अंदर, उसके basis पर उनको SDR basically distribute किया जाता है. अगला देखो, अगला है वर्ल्ड बैंक ग्रुप. अगर हम वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात करते हैं तो स्पेशलाइज्ड यूएन एजेंसी है अलोंग विद दी आईएमएफ, जिनको हम ब्रिटेन वुड्स ट्विन भी कहते हैं ना, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक को कहते हैं हम लोग. तो एट द यूनाइटेड नेशन ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं ये आया था इन न्यूयॉर्क, इन न्यू हैम्पशायर यूएसए, नॉट न्यूयॉर्क. ठीक है, एंड इसके अंदर हमें और भी 5 अन्य ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है. सबसे पहला है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD. 1944 के अंदर इसको बनाया गया था. ये क्या करता है, मिडिल इनकम कंट्रीज हो गई, जैसे हमारी जैसी कंट्री हो गई, एंड क्रेडिट वर्दी लो इनकम कंट्रीज हो गई, उनको बेसिकली ये हेल्प करता है. इसके अलावा देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पर देखो ये गलत है. यहाँ पर बेसिकली है इंटरनेशनल डेवलपमेंटल एसोसिएशन, ठीक है, जिसको हम IDA कहते हैं. अब IDA जो है, यहाँ पर क्रॉस करके आप IDA लिख लेना. It was established in 1960 and interest free कहीं ना कहीं ये grants provide करता है poorest countries को, and together IBRD and IDA को हम कहते हैं कि ये world bank को form करते हैं. main world bank इन्हीं से चलता है, क्योंकि जो middle income countries हो गई या poor countries हो गई या फिर low income countries हो गई, उन्हीं को ये target करते हैं, उन्हीं को ये help करने की कोशिश करते हैं. international finance corporation है उसके बाद, जो कि 1956 में बना, बाद में बना, and ये largest global developmental institution है, जो कि exclusively सिर्फ private sector के ऊपर ध्यान देते हैं कि प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ होनी चाहिए, कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होनी चाहिए. फिर मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी है, मीगा जिसको कहते हैं, ये काफी लेट बना 1988 के अंदर. प्रमोट करता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, जिससे उनकी भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो, पॉवर्टी रिडक्शन हो, ओवरऑल उनकी इकोनॉमी डेवलप करे. इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, ICSID, 1966 के अंदर ये आया था. ये प्रोवाइड करता है इंटरनेशनल फैसिलिटीज को, जिससे कंसीलिएशन हो सके, आर्बिट्रेशन हो सके इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट का. अब देखो इतनी हेविली इन्वेस्टमेंट एंड ऑल हो रहा है, तो देखो डिस्प्यूट भी अराइज हो सकते हैं, तो इन डिस्प्यूट को एक तरीके से सॉल्व करने के लिए, देखने के लिए आर्बिट्रेशन हो जाए, ठीक है, दोनों में बातचीत हो जाए, सॉल्व हो जाए, इसके लिए इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट भी है. तो ये जो 5 ऑर्गेनाइजेशन है, ये कहीं ना कहीं वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर मेजरली हमें देखने को मिलती है. ऑब्जेक्टिव क्या है, मेजर ऑब्जेक्टिव यही है, पॉवर्टी को करना है खत्म, प्रमोट करना है कि सारी कंट्रीज कहीं ना कहीं प्रॉस्परस हों और बहुत ज्यादा आगे बढ़े. मेंबरशिप देखो आप यहां पर देख सकते हैं, 189 हमें IBRD के अंदर देखने को मिलते हैं, IDA के अंदर 174, IFC के अंदर 186, फिर मेगा के अंदर 182, ICSID के अंदर 158 मेंबर्स. सबसे ज्यादा मेंबरशिप किसके अंदर है, सबसे ज्यादा IBRD के अंदर हमें मेंबरशिप देखने को मिलती है. इंडिया इज मेंबर ऑफ ऑल द वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट ICSID. ये जरूर याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इट इज. हम सिर्फ इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट का पार्ट नहीं है, अदरवाइज हम सारे मेंबर्स का पार्ट है. अब कैसे याद रख सकते हो, ऐसे याद रख सकते हो कि इंडियंस को बड़ा मजा आता है कि हम अपना काम खुद से करें, हमारे कोई डिस्प्यूट होंगे, लड़ाई होंगे, हम खुद से देख लेंगे, भैया हमें आपकी जरूरत है नहीं. ठीक है, जस्ट गिविंग यू अ रेफरेंस, जिससे याद हो जाए आपको, है ना. तो आप याद कर सकते हैं या कैसे भी याद कर सकते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको याद रखना. अब अदर की इंफॉर्मेशन ये है कि कुछ फ्लैगशिप पब्लिकेशंस भी हैं, जैसे कि ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट ये लेकर आते हैं, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ये लेकर आती है वर्ल्ड बैंक, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट भी यही लेकर आती है. अगला चलो, की कंसेप्ट एंड इन्फॉर्मेशन एक्सटर्नल सेक्टर के रिगार्डिंग. सबसे पहला है एंटी डंपिंग ड्यूटी. सबसे ज्यादा इंडिया चाइना से रिलेटेड जो भी आपने आर्टिकल्स पढ़े होंगे पूरे साल, आपने ये एंटी डंपिंग ड्यूटी जरूर देखी होगी. इंडिया ने इनिशिएट किया है एंटी डंपिंग प्रोब को अगेंस्ट द इंपोर्ट, जो कि ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर फ्रॉम चाइना, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया आ रहा है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग. अब एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या है, एक तरीके से प्रोटेक्शन के लिए कोई भी कंट्री इसको लेकर आती है, इम्पोज करती है, एंड डोमेस्टिक गवर्नमेंट इसको लेकर आती है फॉरन इम्पोर्ट्स के ऊपर, इफ इट बिलीव्स कि इट इज प्राइस्ड बिलो द फेयर मार्केट वैल्यू. तो अब जैसे चाइना है, चाइना ये चीज बहुत ज्यादा करता है, क्या करता है, अपने जो प्रोडक्ट है उनको इतना सस्ता दे देता है कि जो इंडियन मार्केट है उसके अंदर जब वो एंटर करते हैं, जो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो रहा है, जो डोमेस्टिक हमारा कॉमोडिटी है, वो कहीं भी टिक नहीं पाता. अब ये जान के करता है,
चाइना। तो इसको इसके ऊपर क्या लगाया जाता है, इसके ऊपर लगाया जाता है एंटी डंपिंग ड्यूटी, एक तरीके से प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ है जो कि लगाया जा रहा है, जिससे हमारे जो डोमेस्टिक जो हमारे हैं ठीक है एस्पेक्ट्स वो कहीं ना कहीं हार्म ना। अब डंपिंग एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है अंडर द कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1965 एंड 1995 रूल्स, जो कि प्रोवाइड करते हैं लीगल बेसिस को एंटी डंपिंग ड्यूटी के लिए इंडिया के अंदर। अब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज DGTR इन्वेस्टिगेशन आर्म है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का, वो कैरी करती है एंटी डंपिंग प्रोब को। ठीक है, तो एंटी डंपिंग ड्यूटी याद रखना चाइना से रिलेटेड है, हमारे हम एक तरीके से लगाते हैं इम्पोर्ट के ऊपर, जिससे क्या हो हमारी प्रोटेक्शन हो सके, कैसे तो हम डिस्करेज कर सकें ऐसी कुछ भी एक्टिविटी। अगला देखो इंडिया कॉम्पिटिटिवनेस रोड मैप, तो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू PM EACPM ने रिलीज किया द कॉम्पिटिटिवनेस रोड मैप फॉर इंडिया एट द रेट 100 एंड इन कोलैबोरेशन विद द इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस इस चीज को लेकर आए। अब कॉम्पिटिटिवनेस का क्या मतलब होता है, मैक्रो वेरिएबल्स को आप देख रहे हो एंड आप देख रहे हो कि एक कंट्री ग्लोबली कैसे अपने आप को कहीं ना कहीं प्रेजेंट कर रही है, कैसे कम्पीट कर पा रही है, उनकी जो कॉमोडिटीज हैं सर्विसेज हैं हाउ दे आर एबल टू परफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू द अदर कंट्रीज, इनको कॉम्पिटिटिवनेस कहते हैं। इट इज सेंटर्ड ऑन ओवरऑल प्रोडक्टिविटी एंड द इफेक्टिवनेस टू मोबिलाइज कंट्रीज एसेट, ठीक है, एंड अवेलेबल लेबर फोर्स टू क्रिएट वैल्यू, कैसे आप कहीं ना कहीं मोबिलाइज कर रहे हो एक कंट्री के जितने एसेट्स हैं उनको, ऑल्सो आपका जो लेबर फोर्स है आपका जो एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो कहीं ना कहीं वर्किंग आपके पास ह्यूमन कैपिटल है आप उसको कैसे देख रहे हो, कैसे उसको आप ग्रेटर वैल्यू बना रहे हो, ये सब इंडियाज कॉम्पिटिटिवनेस को कहीं ना कहीं इनहेंस करता है। अगला देखो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 किसने रिलीज किया, इसको इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट इसको लेकर आया, IMD इसको लेकर आया। आप देखो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना क्योंकि ये कंफ्यूज वाली चीज है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट ये UPSC प्रीलिम्स के अंदर पूछा जा चुका है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है, WEF निकालता है, वेर एज ये जो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 है, नाम याद रखना इसमें वर्ल्ड है उसमें ग्लोबल है, ठीक है, वर्ल्ड वाला कौन निकालता है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट निकालता है। ठीक है, अब इंडिया ने क्या किया, इंडिया 6 पोजिशन ऊपर आ गया एंड 43rd से हम 37th पर आ गए हैं, शार्पेस्ट राइज अमंग द एशियन इकोनॉमीज कहीं ना कहीं हमने अटेन किया तो हमारे लिए एक अच्छी बात है। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात हुई है तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन है जो कि 1971 के अंदर लेकर आया गया था फॉर पब्लिक प्राइवेट कॉरपोरेशन एंड एंगेज करता है ये फॉरमोस्ट पॉलिटिकल बिजनेस एंड कल्चरल एंड अदर लीडर्स को ऑफ द सोसाइटी को, जिससे वो ग्लोबल रीजनल एंड इंडस्ट्री एजेंडाज को सामने रख सकें, इम्प्रूव कर सकें स्टेट ऑफ द वर्ल्ड को। ऑर्गेनाइजेशंस मोटो की अगर हम बात करें तो एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाना, ग्लोबल पब्लिक इंटरेस्ट को बढ़ाना, ये बेसिकली इनका काम है एंड इनका जो हेडक्वार्टर है इट इज इन जेनेवा स्विट्जरलैंड। एंड कौन कौन सी पब्लिकेशन ये लेकर आता है जरूरी हो जाता है आपके लिए, एक तो देखो गए होगा ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, फिर ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट एंड रिसेंटली ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक ये लेकर आता है। अब देखो इन सबको ऑब्जर्व करोगे कैसे याद रखोगे तो सब में ग्लोबल आ रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि और कोई रिपोर्ट ऐसी होगी नहीं जिसके अंदर ग्लोबल है और जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ना निकाली, तो ऐसा हो सकता है वो एक्सेप्शन हो गए, पर अभी के लिए आप ये देख सकते हैं इनके अंदर ग्लोबल है, ग्लोबल रिस्क, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, ग्लोबल जेंडर, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी, तो याद रखना कि यहाँ पर WEF का बेसिकली रोल आता है, तो ऐसे आप थोड़ा बहुत इसको याद रख सकते हो। अगला देखो रूल्स ऑफ ओरिजिन, अब देखो रूल्स ऑफ ओरिजिन बेसिकली ये क्राइटेरिया है डिटरमाइन करने का नेशनल ओरिजिन ऑफ एन इम्पोर्टेड प्रोडक्ट को इन अ पर्टिकुलर कंट्री। अब देखो होता क्या है, हम है जैसे हम इतना इंपोर्ट करवा रहे हैं कि हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो ही बढ़ता चला जा रहा है, इतना इंपोर्ट हम करते हैं। अब किसी कंट्री से हमारे पास कोई भी सामान आ रहा है, कोई भी चीज आ रही है, तो ऐसा भी हो सकता है कि उस कंट्री ने किसी और कंट्री से उसको लेकर आया हो, वो थर्ड पार्टी के थ्रू लेकर आया हो एंड उसने बस अपना थप्पा लगा दिया, लेबल लगा दिया और हमारी कंट्री में उसको भेज दिया। अब रूल्स ऑफ ओरिजिन ये कहता है कि आपको उसको हमें डिटरमाइन करना होगा, आपको नेशनल ओरिजिन बताना होगा इंपोर्टेड प्रोडक्ट का, चाहे वो थर्ड पार्टी किसे ही क्यों ना आ रहा, यू हैव टू टेल अस वेरी क्लियरली अंडर दिस अ कंट्री दैट हैज इंक्ड। अब जो भी कंट्री FTA में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हुई है विद इंडिया वो डंप नहीं कर सकती गुड को फ्रॉम द थर्ड कंट्री इन इंडियन मार्केट बाय जस्ट पुटिंग अ लेबल ऑन इट। अब ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना, एक कंट्री जो कि इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर इन्वॉल्व हुई है वो किसी भी ऐसे गुड को इंडिया के अंदर डंप नहीं कर सकती जो कि उसने किसी और कंट्री से परचेज किया हो एंड अपना बस उसके ऊपर थप्पा लगा दिया और लेबल लगा दिया।
and it has to undertake a prescribed value addition in that product to export to India. तो उन्हें बताना भी होगा कि कितना value addition इसके ऊपर इन्होंने किया है. इसको कहा जाता है rules of origin. अब Central Board of Indirect Taxes and Customs CBIC ने state किया कि अगर कोई भी conflict होता है between the CAROTAR, CAROTAR क्या है? Custom Administration of Rule of Origin under Trade Agreement Rule 2020 CAROTAR and RO यानी Rules of Origin के बीच में अगर इन दोनों के बीच में कोई भी युद्ध होता है, कोई भी conflicts होता है, तो आपको ये याद रखना है कि जो Rules of Origin है वो prevail करेगा. FTA allow करता है import को. अब जैसे कोई किसी भी country के साथ हम free trade agreement करते हैं, इसका मतलब ये है कि उनसे अगर हम कोई भी सामान मंगवा रहे हैं, import हो रहा है, तो या तो वो nil उसके ऊपर duty लग रही है या फिर concessional लग रही है, मतलब औरों के compare में कम बेसिक कस्टम ड्यूटी रेट पर हम कहीं ना कहीं उसको इम्पोर्ट करवा रहे हैं. तो FTA के टाइम पर हमें ये देखने को मिलता है, ठीक है. इसलिए भी शायद दूसरी कंट्री जो है वो ऐसा कर सकती है कि देखो हमें तो फायदा हो रहा है, ड्यूटी ज्यादा लग नहीं रही, क्या करो थर्ड पार्टी से सामान उठाओ एंड किसी भी कंट्री के अंदर अपना डंप कर दो. तो इसीलिए हम RO को लेकर आए हैं, रूल्स ऑफ ओरिजिन को लेकर आए. CAROTAR जो है ये वाला पर्टिकुलर एक्ट जो है वो रूल जो है वो एम करती है एट द प्लजिंग ड्यूटी इवेजन. बहुत बारी क्या होता है ड्यूटी को इवेट करने की कोशिश करी जाती है थ्रू द रूटिंग एक्सपोर्ट टू इंडिया अंडर द FTA, ठीक है. इसको देखता है तो अंडर CAROTAR रूल importer need to furnish proof of 35% value addition in good from country of origin to claim the duty concession under the FTA. तो CAROTAR rules के अंदर ये है कि जो importer है उनको बताना होगा कि 35% value addition किया है उन्होंने goods के ऊपर, ठीक है, from the country of the origin, ठीक है, इसके ऊपर मतलब जहां से वो मंगवाया भी है चलो तो उसके ऊपर भी उन्होंने 35% at least value addition किया है अगर उन्हें FTA के अंदर ड्यूटी का कंसेशन चाहिए, ठीक है, जो जो कस्टम ड्यूटी लगी है उसका कंसेशन चाहिए. तो उन्हें बताना पड़ेगा कि चलो कुछ और कंट्री से आपने अगर सामान मंगवाया भी है तो भी उसके ऊपर आपने एटलीस्ट 35% का वैल्यू एडिशन किया है. तो ये CAROTAR रूल के अंदर मैनेज होता है. अ लिस्ट ऑफ मिनिमम इन्फॉर्मेशन विच इम्पोर्टर इज रिक्वायर्ड टू पजेस इज ऑल्सो प्रोवाइडेड, ठीक है, इसी के अंदर बेसिकली बताया गया. तो CAROTAR रूल्स अलग देखता है, RO काफी अलग चीज हो गई, ठीक है, बट दोनों ही कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि देश के अंदर अगर FTA के साथ, अगर जिन भी कंट्रीज के साथ हमने FTA किया है बेसिकली उनके साथ अगर हमारी डील हो रही है, हमारा ट्रेड हो रहा है, तो वो बेहतर तरीके से हो. एंड अगर दोनों के बीच में कोई भी कंफ्लिक्ट होता है CAROTAR एंड RO के बीच में, तो RO विल प्रिवेल, रूल्स ऑफ ओरिजिन विल प्रिवेल. अगला देखो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक. अगर हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसमें अंदर 100% स्टेक है. And under the Export Import Bank of India Act 1981 इसको लेकर आया गया है. ये लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करता है ओवरसीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, रीजनल डेवलपमेंट बैंक को, सोवरेन गवर्नमेंट को एंड अदर एंटिटीज को जो कि ओवरसीज हैं, उनको कहीं ना कहीं लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करता है. ऑब्जेक्टिव इनका यही है कि जो बायर्स हैं इन दोज कंट्रीज वो कहीं ना कहीं इम्पोर्ट कर सकें डेवलपमेंटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को, गुड्स एंड सर्विसेज को इंडिया से ऑन अ डिफर्ड क्रेडिट आइटम्स, ठीक है. तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैंक बेसिकली एग्जिम बैंक इसी को देखता है. अगला देखो निर्यात, नेशनल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड फॉर ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड पोर्टल. अब ये जो निर्यात है, ठीक है, निर्यात है, सबसे पहले तो ये याद रखना है पोर्टल है, वन स्टॉप प्लेस है जो कि सारी इंफॉर्मेशन को रखता है इंडिया के फॉरेन ट्रेड से रिगार्डिंग. ये हेल्प करता है जिससे हम ब्रेक कर सके सिलोस को बाय प्रोवाइडिंग रियल टाइम डेटा टू ऑल द स्टेक होल्डर्स. तो स्टेक होल्डर जितने भी है उनको एक रियल टाइम डेटा मिलता है कि इंडिया का फॉरेन ट्रेड कैसा चल रहा है कैसा नहीं, निर्यात पोर्टल के थ्रू उनको पता चल जाता है. इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू 30 कॉमोडिटी ग्रुप्स, ऑल्सो 200 कंट्री से ज्यादा वर्ल्ड वाइड उनके बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. एंड एक और चीज है कि इन दी कमिंग टाइम इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू डिस्ट्रिक्ट वाइज एक्सपोर्ट विल ऑल्सो बी मेड अवेलेबल. तो अभी क्या है एक तरीके से मैक्रो लेवल पर इसको बना दिया गया है, आगे आगे क्या होगा जैसे ही सक्सेसफुल हो जाएगा कि इतना इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड कर रहा है इंडिया के फॉरेन ट्रेड के बारे में, कौन सी कॉमोडिटी इन्वॉल्व है, कितनी कंट्री के साथ हमारा कैसा ट्रेड चल रहा है, सब कुछ बता रहा है. तो डिस्ट्रिक्ट वाइज एक्सपोर्ट कितना हो रहा है वो तक ये आगे बताने लग जाएगा. इन कमिंग टाइम वी विल ऑल्सो सी इट. अगला देखो इंडियन बिजनेस पोर्टल, ये भी एक पोर्टल है, ऑनलाइन ग्लोबल ट्रेड हब कहीं ना कहीं बनाया गया एक्सपोर्टर्स के लिए या फिर फॉरेन बायर्स के लिए. एंड बिजनेस टू बिजनेस डिजिटल मार्केट प्लेस कहीं ना कहीं प्रोवाइड करता है, एम्पावर करता है स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को, एक्सपोर्टर्स को, आर्टिसंस को, फार्मर्स को, जिससे वो आइडेंटिफाई कर सके नई नई मार्केट को जहां पर वो अपने सामान को बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं ग्लोबली. तो इंडियन बिजनेस पोर्टल कहीं ना कहीं जो छोटे छोटे एक्सपोर्टर्स एंड फार्मर्स हैं उनको बहुत ज्यादा मदद करने के लिए बनाया गया.
एनकरेज करने के लिए बनाया गया एक्सपोर्ट्स को ऑफ द प्रोडक्ट जो कि मेड इन इंडिया है, हमारे देश के अंदर बनाया गया, असेंबल करे गए, सब कुछ हमारे देश के अंदर हुआ है, तो क्यों ना हम उसको बाहर की जो मार्केट प्लेसेस है उन तक भी लेकर जाए। इसके लिए बेसिकली बनाया गया है ग्लोबल ट्रेड हब, एक तरीके से बनाया गया। इट इज डेवलप्ड बाय फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। अगला देखो आरबीआई रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस। अब आरबीआई एनुअल रिपोर्ट इसको लेकर आता है, इसका थीम था रिवाइव एंड रिकंस्ट्रक्ट। एंड यहाँ पर बताया गया कि इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हमें 6.5 से 8.5 के बीच में देखने को मिली है। ऑल्सो कुछ और बातें बताई गई, जैसे इंडिया की इकोनॉमी इज लाइकली टू टेक ओवर 12 ईयर टू ओवरकम कोविड-19 लॉसेस। तो देखो कोई चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करी इन्होंने, सच सच बताया कि देखो कोविड-19 की वजह से जो 2019, 2020, 2021 इन 3 साल में हमने मेजर इम्पैक्ट देखा है, इट विल एटलीस्ट टेक 12 ईयर्स फॉर अस टू कम आउट ऑफ इट और टू ओवरकम इट। ठीक है, एकदम से ऐसे नहीं होगा कि बस छड़ी घुमाई एंड पूरे ही देश हमारा बेस्ट हो गया, द इकोनॉमी विल अगेन स्टार्ट वर्किंग द वे इट यूज टू। ठीक है, इट विल टेक टाइम, इट विल टेक एटलीस्ट 12 ईयर्स। इसके अलावा कैपिटल इन्फ्लूजन जो भी सरकार ने किया, ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर, जिससे उनकी हेल्प हो सके, उनकी हेल्प हुई भी है कैपिटल विद रिस्पेक्ट टू द रिस्क एसेट्स, अगर हम देखते हैं उनका इम्प्रूव हुआ है, ये यहाँ पर बताया गया। ऑल्सो अमाउंट रिकवर जो कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा किया गया रिसेंट ईयर्स के अंदर, वो हमें कम होता हुआ नजर आया है। ठीक है, एआरसी के अंदर काफी कम हो गया, क्योंकि पैसों की हमें हीरा एक तरीके से जो सर्कुलेशन था ओवरऑल वो ही हमें काफी कम होता हुआ नजर आया, तो ये इन्होंने रिविलियेशन करी है। अगला देखो रिवर्स करेंसी वॉर। अब राइजिंग जो इंटरेस्ट रेट हमें देखने को मिले यूएस के अंदर, एंड उसकी वजह से क्या हुआ और सब जो करेंसीज हैं वो वीकर होने लगे विज़ अ विज़ अगर हम डॉलर की बात करते हैं, तो मोस्टली कंट्रीज बेसिकली सॉ दिस थिंग एंड अपने एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने के लिए करेंसी वॉर के अंदर कहीं ना कहीं वो आ गई। हाउएवर वीकनिंग करेंसी अगेंस्ट द डॉलर ऑल्सो लेड टू जो इम्पोर्ट थे वो बहुत ज्यादा महंगे हो गए, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द क्रूड ऑयल, एज अ रिजल्ट ऑफ विच कंट्रीज आर नाउ वर्किंग टू इंश्योर देयर करेंसी डजंट लूज टू मच वैल्यू अगेंस्ट द डॉलर। आप देखो अगर हम ये डॉलर की स्थिति देखें, अपनी करेंसी की क्यों ना देखें, हम रुपी की देखें, हमारे लिए क्या हो गया, हमारे लिए इंपोर्ट काफी महंगे हो गए, ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है हमको, ठीक है, क्योंकि हमारा जो रुपी है वो डेप्रिशिएट हो गया। तो अभी इस चीज को हटाने के लिए जिससे हमारी करेंसी और ज्यादा वैल्यू ना कहीं ना कहीं घट जाए उसकी विद रिस्पेक्ट टू द डॉलर, रिवर्स करेंसी वॉर को लेकर आया गया। इसको कहा जाता है रिवर्स करेंसी वॉर, ऐसे स्टेप्स लेना जिससे हमारी करेंसी और भी ज्यादा लूज ना हो विद रिस्पेक्ट टू द डॉलर, इसको कहा जाता है करेंसी वॉर, ठीक है, रिवर्स करेंसी वॉर। अगला देखो ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जो सेवी इन्वेस्टर्स है दे आर बेसिकली यूजिंग ODI रूट, जिससे वो बेसिकली एक तरीके से क्रिप्टो करेंसी के अंदर बेट कर सके विद लिबरलाइज्ड रेमिटेंस फैसिलिटी। अब ODI एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है विच इज मेड आउटसाइड इंडिया। जब आप आउटसाइड इंडिया ज्वाइंट वेंचर के अंदर, होली ओन सब्सिडरी के अंदर आप कहीं ना कहीं निवेश कर रहे होते हो, इन्वेस्ट कर रहे होते हो, चाहे ऑटोमेटिक रूट से कर रहे हो, चाहे सरकार की अप्रूवल के थ्रू कर रहे हो, उसको कहा जाता है ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब इंडियन पार्टीज जिनको कहीं ना कहीं परमिट नहीं किया गया है कि वो इन्वेस्ट कर सकते हैं इसके अंदर, वो कौन कौन से हैं, आप बेसिकली किसके अंदर नहीं कर सकते, आप रियल एस्टेट बिजनेस एक्टिविटी में इन्वेज है तो नहीं कर सकते। ऑल्सो अगर फाइनेंशियल प्रोडक्ट लिंक टू इंडियन रुपी कहीं ना कहीं आप ऑफर कर रहे हो तो आप नहीं कर सकते। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो एक कंपनी जो कि रजिस्टर्ड है अंडर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, फिर पार्टनरशिप फर्म जो कि रजिस्टर्ड है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत, LLP हो गई कोई जो कि LLP एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, या फिर एक रेजिडेंट इंडिविजुअल हो गया अंडर दी LRS, ठीक है, वो सब कहीं ना कहीं यहाँ पर एलिजिबल हैं कि वो ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर, किसी जॉइंट वेंचर के अंदर, होली ओन सब्सिडियरी के अंदर कहीं ना कहीं निवेश कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगला देखो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये जो है ये बेसिकली लॉन्च करी गई, इट हैज लॉन्च्ड अ 6 बिलियन, बेसिकली इसने लॉन्च किया है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ने लॉन्च किया है 6 बिलियन ग्लोबल फूड सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म को, जिससे प्राइवेट सेक्टर एबिलिटी बढ़ सके विद रिस्पेक्ट टू द क्राइसिस एंड हेल्प हो सके फूड प्रोडक्शन के रिगार्डिंग। अब देखो ये जो है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC, इसको हमने अभी ऊपर भी देखा था, इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC के अंडर है, वर्ल्ड ग्रुप मेंबर का एक तरीके से पार्ट है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक तरीके से पार्ट है, 1956 के अंदर ये आया था। अब इसने क्या किया है, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म को ये लेकर आया, जैसे अगर कोई भी सिचुएशन ऐसी आ जाती है, क्राइसिस आ जाता है, जैसे कोविड-19 आ गया या फिर फेमीन हो गया कहीं पे, फ्लड लाइक सिचुएशन आ गई, ठीक है, जैसे फूड प्रोडक्शन कहीं ना कहीं हम उसकी उसको सपोर्ट कर सके, इसके लिए ये आया है।
प्लेटफॉर्म फोकस करता है जिससे हम ग्लोबल फूड सिस्टम को और बेटर बना सके। क्लाइमेट के जो सिचुएशन हो रही है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट जो हो रहा है, उसका जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो हमारे फूड सिस्टम के ऊपर ना पड़े, इसको देख सके। लार्जेस्ट ग्लोबल डेवलपमेंटल इंस्टीट्यूशन है ये, जो कि फोकस करता है प्राइवेट सेक्टर के ऊपर। अभी हमने ऊपर भी देखा था ना, प्राइवेट सेक्टर के रिगार्डिंग ये बेसिकली देखता है। एंड इन द इमर्जिंग मार्केट बेसिकली प्राइवेट अच्छी तरीके से परफॉर्म करे, सपोर्ट करता है वर्ल्ड बैंक को। ट्विन गोल्स है इसके, पॉवर्टी को एंड करना, ऑल्सो प्रोस्पेरिटी को कंट्रीज की बढ़ाना। अदर आर्म्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक अभी अभी हमने देखे, आईबीआरडी हो गया, आईडी हो गया, इंटरनेशनल डेवलपमेंटल एजेंसी, ठीक है, आईडीए ऊपर गलत दे रखा है एक बारी और, ठीक है, कहीं ना कहीं उसको याद रखना कि वो आईडीए है। ऑल्सो मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी हो गया, मीगा हो गया, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट हो गया, ठीक है, या फिर वॉशिंगटन कन्वेंशन हो गया। अब देखो एक और बात बता रही हूं मैं फिर से आपको, काफी इंपॉर्टेंट है। ऊपर हमने देखी इंडिया जो है वर्ल्ड बैंक ग्रुप के जो भी जो इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनका पार्ट है। सिर्फ हम आईसीएसआईडी के मेंबर नहीं है, ये याद रखना। इंडिया इज मेंबर ऑफ ऑल एक्सेप्ट दी आईसीएसआईडी। चलिए आज का लेक्चर इतना था, अगले लेक्चर में हम इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप वाला जो पार्ट है उसको कवर करेंगे। अगर आपको लेक्चर सीरीज अच्छी लगी है लाइक दबा दीजिए, ऑल्सो स्टडी आइस को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल्सो आप इन, अगर आपने पहला लेक्चर देखा है, ये प्लेलिस्ट के अंदर और भी लेक्चर्स अवेलेबल हैं, सारे आप देख सकते हैं। स्टडी आईएएस के अगर हम प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, इंडिविजुअल वीडियोस भी आ रही हैं जहां पर आप करंट अफेयर्स को अपने बहुत छोटे टाइम में कवर कर सकते हैं। बहुत क्वालिटी लेक्चर्स हैं वो, उनको जरूर देखा करो। डेली लगभग 2 से 3 वो वीडियोस आती हैं एंड दे आर कवर्ड बाय अदिति मैम, एंड उनसे आपकी जो करंट अफेयर्स है वो बहुत ज्यादा बेटर हो जाएगी, तो उनको आप जरूर कवर करना। चलिए मिलते हैं कल, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।